हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा ही हिबिस्कस का प्लांट या गुड़हल का। तो इस पे मिलीबग्स का अटैक देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। ऐसे तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ, लेकिन इधर अभी मैं कुछ दिन से नहीं कर पाई और इस टाइम पे ये बहुत जल्दी बढ़ता भी है। तो लगभग हर ब्रांच पर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और अगर ये एक प्लांट पर हो जाता है तो जो इसके आस पास जो प्लांट रहते हैं तो ये वो भी नहीं बच पाते हैं इससे, और तो हमारे प्लांट्स को बहुत ही बुरी तरह से ये ख़राब कर देता है। जो मैंने किया है अपने प्लांट पे वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ऐसे तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ, लेकिन इधर मैं नहीं कर पाई तो ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। इसके लिए ये इस तरह से टूथब्रश लेना है और धीरे धीरे इसको हटाएंगे। बहुत ही आराम से ये हट जाता है, लेकिन ऐसे ही नहीं हटा देना है। सबसे पहले इसकी जो ये स्टेम रहती है इसको हल्का सा हम झुका लेंगे और अब इसको हटाएंगे तो जो जितने भी मिलीबग्स हैं वो ज़मीन पर गिरेंगे, और फिर हमें उन्हें मार देना है, क्योंकि जैसे वो ज़मीन पे गिरते हैं वो रेंगना शुरू कर देते हैं, और अगर हम उन्हें मारेंगे नहीं तो वो किसी भी प्लांट पे फिर से चढ़ जाएंगे और उसको ख़राब करेंगे। तो उनको मारना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ से उनको मार देंगे हम। और इस तरह से देखिए 90% तो इसी तरह से साफ़ हो गए, और बाकी जो बचे खुचे हैं तो ये नीम ऑयल का स्प्रे अब हम कर देंगे इन पर, क्योंकि अब बिल्कुल ज़रा से इक्का दुक्का जो भी बचे हैं। तो किस तरह से बनाते हैं नीम ऑयल, 1 लीटर पानी में मैं 2 ढक्कन नीम ऑयल का और 1 ढक्कन कोई भी लिक्विड सोप का मिला करके अच्छे से, और तब अच्छे से स्प्रे करेंगे, पूरे प्लांट को नहला देंगे, जितने भी पत्ते हैं उलट पलट करके सबको अच्छे से नहला देंगे। इसके अलावा जो मिट्टी है जिसमें प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर भी इसे डाल देंगे। और ये काम शाम के टाइम करना है, क्योंकि जहाँ पे मिली बक्स रहते हैं वहाँ पे चींटियाँ भी रहती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह की जो लक्ष्मण रेखा वाली ये जो चौक आती है इसे पॉट के किनारे किनारे लगा देंगे, तो अब चींटियाँ भी वहाँ पे नहीं जा पाएंगी। तो ये इतना ही काम हमें करना था, तो अब यही काम मैं एक दिन छोड़ करके करूँगी। बस 1-2 बार ही हमें ये काम करना है, फिर उसके बाद में हर 10 दिन पर नीम ऑयल का स्प्रे इस टाइम पर ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने किया अपने प्लांट पे तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि जब मिलीबग ज़्यादा हो जाता है तो पहले मैं तो पूरी टहनी ही तोड़ देती थी उनसे बचने के लिए, और क्योंकि नीम ऑयल जब इतना ज़्यादा हो जाता है ये मिलीबग तो उस पर कोई असर भी नहीं दिखाता, लेकिन इस तरह से जब मैंने किया तो इससे फ़र्क दिखता है। और केमिकल का यूज़ मैं करना नहीं चाहती हूँ अपने गार्डन में। तो अगर आपके प्लांट पे भी बहुत ज़्यादा हो गए हों मिलीबग्स तो आप इसी तरह से पहले टूथब्रश से हटा दें, फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, क्योंकि टूथब्रश से ही 90% मिलीबग्स साफ़ हो जाते हैं और बाकी काम नीम ऑयल कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।